आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार। नेता जब अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगे और मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर दे तो समझ लीजिए चुनाव आने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह अपने इलाके राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ किया कि बड़े नेता आसान सीट से चुनाव न लड़े, और बस दिग्विजय सिंह की चुनावी गाड़ी भोपाल पहुंच गई। दिग्विजय के चुनावी अंदाज पर हमारी खास पेशकश, नतमस्तक दिग्विजय। भोपाल लंबे अरसे से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, ऐसे में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। दिग्विजय सिंह को जैसे ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया, भोपाल में बीजेपी के सियासी समीकरण गड़बड़ा गए। लेकिन दिग्विजय के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों को साधने की है, इसलिए दिग्विजय सिंह भी अभी मंदिर मंदिर चक्कर काट रहे हैं। दिग्विजय जानते हैं ऐसा करना उनके लिए लाख टके का सौदा है। नर्मदा परिक्रमा के बाद से कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह अपनी छवि को बदलने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि भविष्य में उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। खुद को भोपाल से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद दिग्विजय सिंह देर रात में रायसेन दरगाह पर पहुंचे और चादर चढ़ाई। रायसेन दरगाह की काफी ख्याति है और भोपाल के तमाम लोग इस दरगाह में आस्था रखते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए ये स्थान खासा महत्व रखता है। दिग्विजय सिंह के समर्थक भी इन दिनों उन्हें बड़ा हिंदूवादी नेता बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी हर दिन किसी न किसी मंदिर पहुंचकर अपने समर्थकों की बात की पुष्टि कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस मसले पर साफ कहते हैं कि वे धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करती। धर्म हमारे लिए पुण्य है, हम परमात्मा सबके हैं। परमात्मा को और धर्म को हम राजनीति में नहीं लाना चाहते। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिग्विजय सिंह अचानक भोपाल के चूना भट्टी स्थित बुद्ध महाविहार पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह बुद्धम शरणम गच्छामि वाली मुद्रा में नजर आए। बुद्ध विहार में वे प्रार्थना में शामिल हुए एवं भंते जी का आशीर्वाद भी लिया। चुनावी मौसम में किसी को भी भूलना बड़ी चूक हो सकती है, ऐसे में दिग्विजय सिंह कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह सबसे पहले गुफा मंदिर पहुंचे थे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और आरती की। महंत चंद्रमा दास जी से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसके बाद दिग्विजय सिंह लाल घाटी जैन मंदिर पहुंच गए, यहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की और मंदिर दर्शन किया। इस वक्त दिग्विजय सिंह का प्रचार से ज्यादा मंदिर मंदिर जाना बता रहा है कि वह हर वर्ग हर समुदाय को ध्यान में रखे हुए हैं। दिग्विजय सिंह के मुखर विरोधी बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जो लोग हिंदुओं के नाम से बिदकते थे अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। वो अकेले थोड़ी बनते, राहुल गांधी भी बनते हैं, प्रियंका जी भी बन रही है, और ये जो हिंदुओं के नाम से बिदकते थे, जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दो और वो बिदकता था, वो हाल इनके थे। लेकिन चुनाव आते हैं तो भगवान याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं, धर्म कर्म याद आते हैं। ये देखिए, धर्म आस्था का विषय है, मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, ये श्रद्धा का विषय है। सवाल ये कि चुनाव के समय क्यों रेगुलर जाना चाहिए, जाते हैं तो चुनावी लाभ मिलते हैं। 15 साल बाद फिर चुनावी पारी की शुरुआत करने को मैदान में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनावी रण में उतरने से पहले अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से जीत का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के दिग्गज दिग्गी राजा चुनाव मैदान में हैं। चुनावी रण में उतरने से पहले दिग्विजय अपने गुरु का आशीर्वाद लेने नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी आश्रम पहुंचे और फिर राजराजेश्वरी मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से जीत का आशीर्वाद लिया। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के सवाल पर कांग्रेस की रणनीति को साफ करते हुए कहा, कांग्रेस राजनीति में धर्म को नहीं लाती, धर्म आस्था का विषय है, ना कि राजनीति का। वैसे मंदिर के प्रांगण में, आश्रम के प्रांगण में और धार्मिक स्थानों पर मैं बैठ देता नहीं हूँ, तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि महाराज जी मेरे गुरु हैं, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, मेरे गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में मैं नमन करने आया था, उनसे मुझे आशीर्वाद मिला है और बाकी तो सब देखिए क्या होता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सबको परेशान करके रखते हैं, लेकिन खुद चुगलखोर कांग्रेसियों से परेशान है। भोपाल से दिग्विजय को कांग्रेस का टिकट मिला नहीं कि चुगलखोर कांग्रेसियों ने दिग्विजय सिंह की नाक में दम कर दिया।
फिर क्या था, दिग्विजय सिंह ने चुगलखोरों की क्लास लगाना शुरू कर दी। दिग्विजय सिंह चतुर कांग्रेस नेता है, वे जानते हैं कि चुनाव के समय शिकवे शिकायतें सुनी नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, इसलिए दिग्विजय सिंह ने अघोषित रूप से नो चुगली अभियान शुरू कर दिया है। दिग्विजय के दरबार में दर्जनों चुगलखोर रोज पहुंच रहे हैं। दिग्विजय कान में सबकी बात भी सुनते थे, लेकिन अब चुनाव के मद्देनजर दिग्गी राजा ने चुगलखोरी और चुगलखोरों को बैन कर दिया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने अपने ही कार्यकर्ताओं को चुगली पर खरी खोटी सुनाई। सुन ले मुझे मालूम है ना, चुगली चमचागिरी मुझे मालूम, इन सब चीजों से मुझे कोई चुगली मत करो। सुन ले मुझे मालूम है ना, चुगली चमचागिरी मुझे मालूम, इन सब चीजों से मुझे कोई चुगली मत करो। दिग्विजय सिंह का साफ कहना है, चमचागिरी चुगलखोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी की चुगलखोरी मत करो, मैं चुगलखोरों से हमेशा नाराज रहता हूँ। हाँ सर, ये सुबह भी आप भाई, मैं चुगलखोरों से हमेशा नाराज रहता हूँ। आपके पास सबका रिकॉर्ड है सर जी, आपके पास सबका रिकॉर्ड है, किसने कैसा भी परफॉर्मेंस दिया? नहीं आपका नहीं है, मेरे पास मैं देख नहीं रहा हूँ कौन है। कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह भोपाली कांग्रेसियों का मिजाज जानते हैं, इसलिए आते ही उन्होंने सबसे पहले चुगलखोर कांग्रेसियों को आगाह किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने दिग्विजय के सत्ता में रहते कई बार पूरी कांग्रेस को गुटबाजी का शिकार बना दिया था। अब अगर चुनाव में दिग्विजय सिंह चुगलखोरों की सुनने बैठ गए तो कांग्रेस का जमा जमाया खेल जरूर बिगड़ सकता है, इसलिए दिग्गी राजा खुद सावधान है। दिग्विजय सिंह के कई सारे और अंदाज अभी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है, और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने देखा कि चुगलखोरों से दिग्विजय सिंह कितना परेशान है। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। दिग्विजय सिंह ने अपनी जीत का दावा किया और बीजेपी सरकार पर घोटालों के आरोप लगाए। कांग्रेस की ओर से भोपाल लोकसभा सीट का टिकट मिलने के बाद दिग्विजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आभारी हूं राहुल गांधी और कमलनाथ का, जिन्होंने मुझे भोपाल सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। यहां से शंकरदयाल शर्मा जैसे व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और इस शहर को आगे बढ़ाया। मौजूदा भोपाल को बनाने में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो शंकरदयाल शर्मा जी हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं पिछला चुनाव करीब 15 साल पहले लड़ा था। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल जी से कहा था कि अगर आप मुझे लोकसभा भेजना चाहते हैं तो मेरा क्षेत्र राघोगढ़ है, लेकिन अगर मुझे किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो वो भी मुझे मंजूर है। मुझे कमलनाथ जी ने कहा कि किसी कमजोर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने उन्हें अनुरोध किया कि मुझे आपने बड़ी कृपा करके राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है, जिसका मेरा टर्म 2020 तक है। यदि आप मुझे लोकसभा में चाहते हैं तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो घर का है वो राजगढ़ है, और यदि आप उसके अलावा मुझे जहां से लड़ना चाहें मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी मुझसे कह रहे हैं
कि मुझे मध्य प्रदेश की किसी कमजोर सीट से लड़ना चाहिए। मैंने कहा मुझे उसमें मैं मंजूर करता हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने खुद को भ्रष्टाचार से अलग रखा। जिसने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए मैंने उन्हें अदालत में इसे साबित करने के लिए कहा। पटवाजी ने मुझ पर लगाए आरोप वापस ले लिए थे। उमा भारती आज भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के सबूत पेश नहीं कर पाई। 15 साल तक भाजपा सरकार मेरे खिलाफ फाइलें ढूंढवाती रही कि कुछ पकड़ में आ जाए, कोई दिखा दे सिगरेट की पर्ची पर किसी की नौकरी का आदेश जारी किया हो। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे बंटाधार कहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि खुले मंच पर आएं और अपने 15 साल और मेरे कार्यकाल को लेकर बहस करें। कि शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार उसमें शामिल है। मैंने उनको चुनौती दी थी, साहस है तो मेरे खिलाफ महारानी का दावा करके दिखाइए। साहस नहीं जुटा पाए, मुझे बंटाधार कहते हैं। मैंने कहा आइए मौजूद मंच पे आइए, आपके 15 साल और मेरे 10 साल हो जाए मुकाबला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुए कई बड़े घोटालों में खुद शिवराज सिंह और उनका परिवार शामिल है, चाहे बात डंपर या खनन घोटाले की हो जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी हलफनामे में अपनी वैवाहिक स्थिति नहीं बताई, वहीं अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी भी छुपाई है। दिग्विजय ने नोटबंदी पर भी बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी जी के बयान देख लीजिए, जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बयान दिए थे और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या बयान दिए। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है? केवल कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना और ठीक जो उन्होंने पहले कहा था उसके विपरीत निर्णय हो जाने के बाद श्रेय लेना, ये इनकी आदत पेशवार है। ये आपको मैं बाद में वीडियो क्लिप दूंगा, इससे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों में कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी जी सही बात कहने से डरते क्यों? मैं कोई निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनका पारिवारिक मुद्दा है, लेकिन क्या कारण है कि जितने भी उन्होंने फॉर्म भरे चुनाव लड़ने के, उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस क्यों छुपाया? दिग्विजय सिंह लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार भोपाल में मीडिया से रूबरू हुए। दिग्विजय सिंह ने अपनी जीत का दावा किया और जता दिया कि बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। दिग्विजय सिंह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा भोपाल को लेकर वह जल्दी एक विजन पेपर सामने रखेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह संत नगर पहुंचे। यहां संत हिरदाराम जी की कुटिया पहुंचकर समाधि स्थल पर माथा टेका और सिद्ध भाव से आशीर्वाद लिया। भोपाल का संत नगर या बैरागढ़ सिंधी बाहुल इलाका है और अगर सिंधी समाज से कांग्रेस को जोड़ना है तो यहाँ तो दिग्विजय सिंह को आना ही था। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह ने कमर कस ली है और वह मंदिर मजार हर जगह जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह सिंधी समाज के प्रमुख संत हिरदाराम जी की कुटिया पर पहुंचे और उनकी समाधि स्थल पर माथा टेका। इससे पहले दिग्विजय सिंह गुफा मंदिर और लालघाटी के जैन मंदिर में भी दर्शन करने गए थे। दिग्विजय सिंह के साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पूर्व महापौर सुनील सूद और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल मौजूद थे। यहां दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1984 से भोपाल सीट भाजपा के कब्जे में है, अब इस बार ऐसा नहीं होगा, निश्चय यह सीट कांग्रेस को मिलेगी एवं केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है, मेरे पहले पीसी शर्मा भी चुनाव लड़े थे, माहौल दूसरा कांग्रेस के उस समय माहौल दूसरा था, लेकिन 1992 के बाद जब से बाबरी मस्जिद गिरी तब से पूरा भोपाल शहर का
हाल बिगड़े हैं। लगता है चुनाव तक दिग्विजय सिंह का मंदिर अभियान जारी रहने वाला है। दिग्विजय सिंह सीहोर पहुंचे तो सबसे पहले हरिहर मठ में नतमस्तक हुए और फिर चिंतामन गणेश मंदिर पहुंच के अनुष्ठान किया। सीहोर के चिंतामन गणेश की अपनी मान्यता है और यहाँ किया गया अनुष्ठान बहुत कारगर माना जाता है। गणपति महाराज सभी की चिंताओं का हरण कर लेते हैं। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने गणपति महाराज के दरबार में हाजिरी लगाना मुनासिब समझा और चिंतामन गणेश का विधि विधान से पूजन किया। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सीहोर रोड स्थित फंदा के हरिहर मठ में पूजन किया और संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर फंदा के ग्रामीण तथा हरिहर मठ आश्रम से जुड़े श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। दिग्विजय सिंह के मैदान में आने से भोपाल का चुनाव तो रोचक हो गया है। अभी तक जो हुआ ये सब तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।